चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बढ़ती तपती गर्मी ने सबको परेशान कर रखा है। लोगों का घर से निकलना दूभर हो गया, मानो सूरज आसमान में नहीं धरती पर उतर आया हो। आग उगलते जून के महीने में प्रचंड गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। गर्मी का प्रकोप बदस्तूर जारी है, तो वहीं लोगों पर सूरज की प्रचंड किरणें भारी हैं। गर्मी से जूझ रहे लोग कभी सरकार से गुहार लगा रहे हैं तो कभी भगवान से पुकार। आस यही कि कुछ तो मिले राहत, कुछ तो हो निवारण। आखिर कैसे पाया जाए निजात, कैसे दे इस तपती गर्मी को मात। सभी गर्मी से है त्राहिमाम। अब इस सरकार का कहना है कि प्रदेश में कहीं भी पानी की किल्लत नहीं होगी, अगर कहीं हुई तो वहाँ पानी की सप्लाई करवाई जाएगी। इतना ही नहीं, उन इलाकों को चिन्हित भी किया गया जहाँ से समस्याएं नजर आईं। लेकिन गर्मी से जूझते लोगों की ये तस्वीर तो कुछ और ही कहानी बता रही है। पानी की ऐसी कठिनाई गर्मियों में स्वाभाविक रूप से आती है, तो जिन जिन गांव में पानी वाटर वर्क्स में कम है, वहां हमने निर्देश दे दिया है इरिगेशन डिपार्टमेंट को कि प्राथमिकता पर उन गांव में सब में पीने के पानी पहुंचाया जा रहा है, कहीं कोई कठिनाई नहीं आएगी। और साथ में हमारा जो PhD डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, वो भी इस पर निगाह रखे हुए है, पानी की कमी किसी प्रकार की नहीं आने दी जाएगी। तो वहीं इलाके में आए तूफान से उम्मीद थी कि लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन इस भयंकर तूफान ने गर्मी को कम करने की बजाय लोगों की मुसीबतों को और बढ़ा दिया। बिजली के खंभे और पेड़ों को तो पूछिए मत, तूफान के एक झोंके ने सड़कों पर तबाही मचा दी। तो अभी जून का ही महीना है, आगे गर्मी का पूरा सीजन बाकी है, और ऐसे में गर्मी का अनलिमिटेड प्रकोप अभी तो सभी को तपा रहा है। आगे के लिए भी तैयार हो जाइए, क्योंकि मौसम विभाग का कहना है कि गर्मी से लोगों को राहत भी मिलने के आसार नहीं दिखाई दे रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। आइए सीधे रुख कर रहे हैं हमारे संवाददाता संजय राठौर की ओर, जो गुरुग्राम में पारा कितना ऊपर गया है, सूरज का सितम, गर्मी का सितम किस कदर जारी है, इसके बाबत हमें जानकारी देंगे। संजय, विस्तार से बताएं किस तरह की गर्मी गुरुग्राम के लोग झेल रहे हैं, यहां पर तापमान कितना ऊपर चला गया है। जी अनामिका, मैं आपको बताना चाहूंगा, एक तरफ तो आसमान से आग बरस ही रही है, साथ ही साथ हम टेम्परेचर की बात करें, कहीं ना कहीं 44 डिग्री सेल्सियस पार गुरुग्राम के टेम्परेचर के हम पारे की हम बात करें तो वो उससे ऊपर जा चुका है, और कहीं ना कहीं लोगों को काफी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरी बात हम करें सबसे बड़ी, क्योंकि जो बिजली के कट हैं वो दोहरी मार जो गुड़गांव की जनता को झेलने पड़ रहे हैं, क्योंकि एक तरफा बिजली नहीं मिलती है उनको, जिसकी वजह से लोगों को काफी तकलीफ और काफी गर्मी से जूझना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं ये जो गर्मी का सीतम है और सूरज की जो आग बरस रही है, कहीं ना कहीं लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और हम बात करें जो छोटे व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, जैसे कि हम जूस कॉर्नर की बात कर लें या जो रेडी पे जो अपना रोजी रोटी चला रहे, कहीं ना कहीं उनको भी दोहरी मार झेलनी पड़ रही, क्योंकि लोग उनकी दुकान तक नहीं पहुंच पा रहे। एक ऐसे ही हमारे साथ व्यापारी है, छोटे व्यापारी, उनसे हम बात करना चाहेंगे तो किस तरीके की उनको इस गर्मी से दिक्कत झेलनी पड़ रही है। नाम बता दो। महेश नाम है। गर्मी से कितनी तकलीफ और रोजी रोटी खर्चे भी नहीं निकल रहे, मकान का किराया भी नहीं निकल रहा, घर पे पूरे नहीं हो रहे, मैंने बच्चे भी पूरे नहीं हो रहे, मकान का किराया भी नहीं निकल रहा, क्या करें, धंधे में मेरे को काम ही नहीं, क्या करें, गर्मी की वजह से आदमी निकलता नहीं। पहले के मुकाबले हम आपकी बात करें, कितनी आपकी लागत लगती है इसमें, और लागत 500 रुपए की लागत आई है, अभी 100 रुपए नहीं आए, क्या करें, बैठे। तो अनामिका आपने देखा, कहीं ना कहीं जो गर्मी की मार है वो जो छोटे व्यापारी है उनको भी झेलनी पड़ रही है, क्योंकि गर्मी की वजह से जो लोग हैं वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जिसके कारण जो इनकी जो बिक्री है उस पर भी काफी असर जरूर पड़ता है। अब आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं ये जो एक जूस कॉर्नर है जो आप देख सकते हैं बिल्कुल खाली है, ग्राहक नाम की अब बात करें तो कोई नहीं है, और गर्मी से काफी लोगों को तकलीफ तो हो ही रही है, साथ के साथ जो जूस की रेहड़ी लगाते हैं जिस तरीके के जो मौसम के हिसाब से जो जूस या सारी चीजें बेचते हैं, कहीं ना कहीं उनको काफी तकलीफ इससे हो रही है। तो कहीं ना कहीं हमारे साथ और लोग हैं, हम इन्हीं से बात कर लेते हैं, हमारे साथ कुछ महिला है जो गर्मी के, नाम बताइए। मंजू बहुगुना। मंजू जी, कितनी गर्मी है और कितना गर्मी तो बहुत बढ़ती जा रही है, 46 डिग्री गर्मी होगी आज मेरे ख्याल,
काफी दोपहर को तो बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है, बाहर निकला ही नहीं जाता। और क्या टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं? टेम्परेचर तो 46-47 ही है टेम्परेचर आजकल तो। काफी गर्मी बढ़ती जा रही है दिल्ली गुड़गांव में भी, और मतलब बाहर निकलना इतना मुश्किल होता है। संजय, आप लोगों से बात कर रहे हैं, बिल्कुल कितने परेशान है लोग वो हम तक पहुंच रहा है। साथ में इनसे ये भी पूछे कि गर्मी से निपटने के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा है कि छोटे व्यापारियों का जो कारोबार है वो ठीक तरह से चल नहीं पा रहा है, लोग बहुत कम घरों से बाहर निकल कर आ रहे हैं। ऐसे में जो राहगीर आपको मिल रहे हैं उनसे ये भी पूछे कि वो गर्मी से बचाव के लिए क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिमाग में, क्या एक्शन ले रहे हैं। जी जी, बात करें गर्मी से बचाव के लिए भी आप लोगों ने कोई उपाय किया? कैसे गर्मी से बचने के? गर्मी से बचने के लिए हम कैसे उपाय, मतलब क्या जो गर्मी है उससे बचने के लिए आपने डॉक्टर से कंसल्ट की हो, या किस तरीके से आप बच रहे हैं गर्मी से, क्योंकि इतनी गर्मी है, लिक्विड का यूज कर रहे हैं, ग्लूकोज से बचने के लिए हम नींबू वगैरह लेके चलते हैं भाई, स्कूल अगर हम जा रहे हैं तो वहां जाके नींबू पानी बनवाते हैं, और जैसे नींबू पानी शिकंजी बनवा के, ये सभी गर्मी से बचने के लिए उपाय करते हैं हम लोग। जी अरविंदा, कहीं ना कहीं जब लोग घर से निकलते हैं अपने साथ एक बोतल कैरी करते हैं, साथ ही साथ नींबू या ग्लूकोज का वो जरूर सहारा ले रहे हैं। एक जूस कॉर्नर पे हम इस समय खड़े उनसे भी जान लेते हैं तो उसकी दुकानदारी पे कितना असर इनसे पड़ा, नाम जी? बदरुद्दीन नाम है मेरा। कितना असर है आपकी दुकानदारी पे? सर तो कुछ भी नहीं है, गर्मी हो रही है ज्यादा और दुकानदारी होती नहीं है, गर्मी बढ़ती जा रही है और लोग बाहर गर्मी से वजह से निकलते नहीं है, इसलिए दुकानदारी डाउन चल रही है, और ना कोई गर्मी होती है ज्यादा इसलिए कोई निकलता नहीं है, इसलिए जूस हमारा बिकता नहीं है। हाँ, इसलिए रोशनी चल रहे हैं। जेरे में कहीं ना कहीं जो लोग है गर्मी के कारण लोस में भी चल रहे हैं, और जो घर से बाहर निकलने से पहले कुछ चीजों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। आज हमने जो छाता लेके बाहर निकले, चेहरे को कवर करके निकले, पानी की बोतल साथ में जरूर रखना होगा। संजय, एक और चीज आप बता रहे थे इन लोगों से बात करने से पहले कि बिजली का घोषित कट से भी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं, क्योंकि अगर कूलर एसी या पंखा एक सेकेंड एक मिनट के लिए भी रुकता है तो ऐसे में जीना मुहाल हो जाता है। पहले से प्रचंड गर्मी और उसके बाद हवा का कोई साधन नहीं, तो बिजली के अघोषित कटों को लेकर लोगों का क्या कहना है? मैं आपको बताना चाहूंगा बिजली के कट, क्योंकि पहले जो सरकार है जो गुरुग्राम के बिजली अधिकारी उसका साफ तौर पर कह रहे हैं कि 20 से 22 घंटे वो लोगों को बिजली मुहैया करा रहे हैं, लेकिन हम ग्राउंड की बात करें, कल ही हमने जो गुरुग्राम के धर्म कॉलोनी है वहां भी हम जाके एक प्रोटेस्ट जो वहां की महिला है उन्होंने की है, पिछले एक महीने से वहां पर बिजली नहीं आ रही है और जो लाइट आ रही है तो कहीं ना कहीं मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटा आते, वो भी बिल्कुल डिम लाइट उसको कह सकते, क्योंकि ना ही पंखा चल पाता है ना लाइट। लेकिन उसके बाद उन्होंने अधिकारी को शिकायत भी की, लेकिन उस शिकायत का कोई अधिकारी के ऊपर कोई असर नहीं होता है, जिसके कारण जो लोगों को काफी दिक्कत झेलनी पड़ रही है, एक तो सूरज का सीधा, दूसरा बिजली निगम, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बिजली निगम है वो प्रॉपर लाइट मुहैया नहीं करा पा रही है। वादे जरूर किए हैं लेकिन ग्राउंड पे हम बात करें तो एक सवाल और संजय, मौसम विभाग का क्या कहना है, ये जून और जलाएगा क्या या मानसून की दस्तक देखेंगे कब तक? प्री मानसून ने तो बहुत परेशान कर दिया, बारिश ही नहीं हुई, मानसून का आगमन कब तक? जी जी बिल्कुल, हम बात करेंगे जो मौसम विभाग जो अधिकारी हैं उनसे हमने जरूर जानना चाहते हैं, लेकिन उनका कहना है कि एक हफ्ता यानी कि जो अगला मंगलवार है उस तक गुरुग्राम की हम बात करें, दिल्ली एनसीआर की बात करें, उससे पहले मानसून है नहीं, क्योंकि अभी हमें मानसून की बरसात की हम बात करें करीबन एक हफ्ता हमें और इंतजार करना पड़ेगा, एक हफ्ता और हमें जो 8 वर्षीय आसमान से उसके सितम से जरूर जूझना पड़ेगा। जी चलिए, तो मानसून बरसे उससे पहले गर्मी जिस तरह से बरस रही है उससे लोग बहुत परेशान है, जीना दुभर हो गया है, जीना मुहाल है। अपडेट के लिए क्या पारा नीचे जाता हुआ नजर आएगा? बीती शाम जिस तरह से गुरुग्राम ने ठंडी हवा या आप धूल भरी आंधी ही कहे तो बेहतर है, गुरुग्राम ने देखी थी उस तरह का कुछ और नजारा, जानने के लिए जरूर लौटूंगे। फिलहाल